अस्सलाम वालेकुम माय ट्यू फैमिली, वेलकम टू शाकिर बीटीसी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी, आपको थंबनेल देखे तो पता चल ही गया, आज का हमारा टॉपिक है फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम बोल लें या फार्मूला बोल लें इसे या लोशन बोल लें, वो भी होम मेड। जी हाँ, ये मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला, मुझे डीएम किया कि भाई मुझे कोई ऐसा फुल बॉडी वाइटनिंग फार्मूला बता दे, मेरी शादी बहुत नज़दीक है और मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सके। मैं वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने प्यारों में, ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो जी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि यह होम मेड वाइटनिंग फार्मूला आखिर तैयार कैसे किया जाता है। तो जी मेरे भाई, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको वाइटनिंग ज़रूर हासिल होगी और वो भी फुल बॉडी। तो आइए अब बनाते हैं हम अपना फार्मूला। जी हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर एक अदद कोलोबिवेट। जी हाँ, इस क्रीम के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, मैंने अपनी वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है। ये एक एस्ट्रॉइड क्रीम है, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं इसको आखिर क्यों मिक्स करूँगा। तो जी उसके बाद हमें चाहिए यहीं पर डर्मोवेट, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे पॉलीफेक्स। ये देख लें आप, पॉलीफेक्स मैंने किसी और को भी वाइटनिंग फार्मूला बनाकर दिया था तो इसी वजह से। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर कुछ अदद वाइटनिंग कैप्सूल और सबसे हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट बोलने या जादुई चीज़ बोले वो है हमारा यहाँ पे बोरिक एसिड। ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा, ऐसे मत समझना मैंने पता नहीं किस बला का नाम बता दिया। ये हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्म नहीं है। बोरिक एसिड को ज़्यादातर हमारी आँखों में अगर रेडनेस वगैरह आ जाती है या पानी निकलता है तो जो इसको पानी में मिक्स करके हल्का सा हम अपनी आइज़ पर भी लगा सकते हैं। ये हमारी फुल बॉडी में सबसे जो नाजुक हिस्सा है वो हमारी आँख है, जब इसको हम अपनी आँख पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बॉडी पर क्यों नहीं। जी हाँ, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो जी उसके बाद मेरे यहाँ पर मौजूद है एक अदद वाइटनिंग लोशन बोल लें या क्रीम बोल लें, आप मॉइस्चराइजर क्रीम भी ले सकते हैं, लोशन भी ले सकते हैं, यहाँ तक या फेयर एंड लवली या तिब्बत स्नो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस फार्मूले में। तो जी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मैं बताता चलूँ, मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि फार्मूले को अगर सही तरह तैयार नहीं करेंगे तो जी वो रिज़ल्ट नहीं लेकर आएगा, बिल्कुल भी नहीं लेकर आएगा। तो जी अब बनाते हैं हम अपना फार्मूला के आखिर ये तैयार कैसे किया जाएगा। तो जी उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है मॉइस्चराइज़र। तो जी अब मैं करूँगा मिक्स यहाँ पर सबसे पहले हल्की सी पॉलीफेक्स क्रीम को। तो जी आप ऐसे करें, आप मैक्सिमम 5 डेज़ का, 3 डेज़ का या 4 डेज़ का बना कर रख लें। अगर वो आपको रिज़ल्ट दे तो जी आप दोबारा भी तैयार कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल बना कर रख लें और इस्तेमाल भी ना करें और वो फिर आपका ज़ाया जाए। जी ऐसे मत कीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डर्मोवेट, बिल्कुल इतनी सी क्वान्टिटी। अब मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ क्लोबिवेट। तो जी ये क्रीम है, ये एस्ट्रॉइड क्रीम है, ये हमारी स्किन के लिए सेफ तो नहीं है। जी हाँ, ये हमारी स्किन के लिए सेफ नहीं है, लेकिन 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 अगर आप वाइटनिंग चाहते ही हैं सिर्फ टम्परेरी, परमानेंट नहीं, टम्परेरी के हाँ भाई बस मेरी यहाँ तक वाइटनिंग मुझे हासिल हो जाए उसके बाद बेशक मैं अपनी वही टोन में आ जाऊँ, तो जी यहाँ पर इस मसले के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको फीट वाइटनिंग का भी बताऊँगा, हेड वाइटनिंग का भी इसका मैं फार्मूला ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं बताता चलूँगी फुल बॉडी वाइटनिंग आखिर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जी उसके बाद मैं इसको करूँगा अच्छी तरह मिक्स। आप लोग देख लें, आप उंगली की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पैचुला है या कोई और चीज़ें आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब तक मिक्स करें तो जी मैं बताता चलूँ कि ये आपको मैक्सिमम 2 डेज़ में, जी हाँ सिर्फ 2 डेज़ में आपको वाइटनिंग प्रोवाइड कर देगा। मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊँगा, कि ये हमें वाइटनिंग आखिर कैसे प्रोवाइड करेगा। तो जी यहाँ पर मैंने कर लिया है क्रीम को मिक्स। अब जो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है वो मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, तो जी बोरिक एसिड। जी हाँ, तो जी ये कुछ इस शॉपर में होगा, इस शॉपर में आप देख लें। तो जी अब मैं करता हूँ इसको मिक्स। क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा, आप 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो जी ये कर लिया मैंने, इसमें 1 टेबल स्पून बोरिक एसिड इस्तेमाल कर लिया। अब हम इसको रखेंगे एक साइड पर और उसके बाद हम इसको करेंगे बिल्कुल हल्का हल्का मिक्स, ताकि ये हमारी क्रीम में बिल्कुल ऑब्जर्व वगैरह हो जाए और इसके छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स वगैरह हैं वो हमें नज़र ना आए। तो ये हमारे स्किन से एक डेड लेयर को उतार देगा, ये हमारे स्किन को अंदर तक ब्राइट करेगा। अगर आपकी स्किन पर डेड सेल वगैरह हैं या डेड लेयर वगैरह है तो जी उसको उतार देगा और हमें वाइटनिंग प्रोवाइड कर देगा। तो जी आप लोग देख लें कि ये हमारा हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स। अब मैं इसमें करता हूँ एक अदद वाइटनिंग कैप्सूल को ऐड, फार्मूले की वाइटनिंग को बढ़ा देगा, जिससे हमें 2 गुना और बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स हासिल होंगे। मैंने इसको कर लिया है मिक्स।
अब करूँगा मैं इसको अच्छी तरह मिक्स और देखते हैं कि ये फार्मूला आखिर हमारा तैयार कैसे होगा। पार्ट पर इसको लगाना है, उसे पहले अच्छी तरह वॉश कर लें और क्लीन कर लें और उस फार्मूले की हल्के सी मिकदार लें। आपको जहाँ वाइटनिंग चाहिए वहाँ पर मैक्सिमम 2 मिनट के लिए मसाज करें ताकि ये हमारे स्किन में बिल्कुल जज़ब हो जाए, और इसको लगा कर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। जी हाँ, इसको लगा कर ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। ये देख, ये हमारे स्किन में बिल्कुल अब जज़ब हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। जी देखें, अगर आप लोगों के नकल्स वगैरह डार्क वगैरह हैं तो जी हल्की सी इसकी मिकदार लें और अपने नकल्स पर लगाएं हल्की हल्की सी। तो जी उसके बाद यहाँ पर हल्का हल्का मसाज करें मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए। इसमें बोरिक एसिड है जो हमारे स्किन को बहुत जल्द वाइट करता है। मोला क्रीम लगाने से ऐसे होता है कि आपके हैंड तो वाइट हो जाते हैं लेकिन आपके नकल्स वगैरह डार्क ही रहते हैं। हाँ, ऐसे होता है क्योंकि फार्मूला क्रीम में ऐसे केमिकल्स वगैरह शामिल होते हैं। क्रीम मैंने भी अपने हैंड पर अप्लाई की थी तो मेरे डार्क नकल्स थे उसने कुछ ज़्यादा ही डार्क कर दिए, क्योंकि मैं असल में फार्मूला क्रीम लगाता नहीं अपने हैंड वगैरह पर। हाँ, फेस पर फिर भी मैं अप्लाई कर लेता हूँ डेमो दिखाने के लिए और रिजल्ट अचीव करने के लिए कि मैं अगलों को जो रेकमेंड करूँ पहले मैं तो देख लूँ कि भाई मेरे ऊपर रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो जी इस वजह से हमें डेमो वगैरह करने पड़ते हैं। लेकिन आप ये फुल बॉडी वाइटनिंग लोशन बोले, क्रीम बोले, फार्मूला बोले, घर पर बनाइएगा। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये होममेड वाइटनिंग लोशन आपको मिल रहा है। तो जी है ना कितनी अच्छी बात। तो जी मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।